हेलो एवरीवन, मसले दुनिया के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि क्या भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को पछाड़ सकता है। दरअसल आर्थिक विकास और समृद्धि की दौड़ में भारत और चीन दो ऐसे देश हैं जिनकी तुलना अक्सर की जाती है। चीन, जिसने पिछले कुछ दशकों में अपनी आर्थिक विकास दर को तेजी से बढ़ाया है, उसकी आर्थिक वृद्धि अद्वितीय रही है। विनिर्माण और निर्यात पर आधारित अर्थव्यवस्था ने वैश्विक स्तर पर चीन को महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। वो वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की कगार पर है। भारत भी आर्थिक प्रगति करते हुए वैश्विक पटल पर उभर कर सामने आया है। भारत ने सेवा क्षेत्र और आईटी उद्योग के माध्यम से अपनी आर्थिक वृद्धि को प्रेरित किया है और नतीजतन भारत तेजी से उभरते हुए विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यही वजह है कि भारत से उम्मीद की जा रही है कि वो आर्थिक मोर्चे पर चीन को पछाड़ने की क्षमता रखता है। इस उम्मीद को अप्रैल 2023 में तब और ज्यादा धार मिली जब भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के मामले में चीन से आगे निकला। इसके बाद आर्थिक विश्लेषक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या भारत अगली वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ सकता है। कई विश्लेषकों ने दावा किया कि भारत की बड़ी आबादी विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश पैदा करेगी। भारत की जन दर चीन से लगभग दोगुनी है। साथ ही भारत ने बीते वर्षों में आर्थिक विकास में चीन को पीछे छोड़ दिया है। साल 2023 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 6.1% की वृद्धि हुई, वहीं चीन की जीडीपी में 4.5% की बढ़ोतरी हुई। इन आशाजनक आंकड़ों को देखते हुए कई आर्थिक विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक गति इतनी तेजी से बढ़ेगी कि ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो वैसे में यहाँ एक सवाल निकल कर आता है, वो ये कि क्या वाकई भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन को पछाड़ सकता है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था में इतना दम है? क्या सच में आने वाले सालों में भारत के आगे चीनी अर्थव्यवस्था फीकी पड़ जाएगी? तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड में तलाशने की कोशिश करेंगे। दरअसल देखने में चीनी अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले काफी बड़ी है, लेकिन इसको गहराई से देखें तो उसके बढ़ने की गति भारत की तुलना में धीमी नजर आती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन के मुकाबले ज्यादा थी। नवंबर 2023 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP वृद्धि दर 2026 तक बढ़कर 7% हो जाएगी, जबकि चीन की ये दर 4.6% होगी। S&P की इस रिपोर्ट में ये भी उम्मीद लगाई गई है कि एशिया प्रशांत का विकास इंजन चीन से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित हो जाएगा। असल में चीन के पतन और भारत के उत्थान में एक सामान्य कारक जनसंख्या है। चीन में लोगों की उम्र बढ़ रही है, जो उसके विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बुरा संकेत है। तो ऐसे में चीन को नेतृत्व की स्थिति में बने रहने के लिए युवा श्रमिकों की जरूरत है, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत की 50% से ज्यादा जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है और 65% से ज्यादा जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। अगर भारत सरकार की नीतियां ठीक ठाक रहती हैं, तो ये युवा शक्ति भारत के आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में मदद करेगी। दरअसल मुख्य रूप से युवा आबादी वाले किसी भी देश के पास अवसर की एक खिड़की होती है, जहां वो अपनी श्रम शक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। पिछले 3 दशकों में चीन में हुआ आर्थिक विकास इसके संभावित लाभों को बखूबी दर्शाता है। हालांकि चीन का जनसांख्यिकीय लाभांश कम हो रहा है और अभी दक्षिण एशिया यानी भारत की तरफ खिसक रहा है। तो ऐसे में अगर भारत इस अवसर को भुना लेता है तो चीन को पछाड़ा जा सकता है। आर्थिक जानकारों की माने तो भारत को अपना जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए करीब 8% की निरंतर GDP वृद्धि की जरूरत है।
अगर इस रफ्तार के साथ भारत लगातार आगे बढ़ता है तो आने वाले सालों में आर्थिक तौर पर चीन भारत के मुकाबले कमजोर पड़ सकता है। असल में देखा जाए तो कुछ मायनों में आज का भारत साल 2007 के चीन के समान है। करीब 1.5 दशक पहले चीनी अर्थव्यवस्था तुलनात्मक रूप से भारत से बड़ी थी। तब चीन की प्रति व्यक्ति आय $2,694 थी। IMF ने उम्मीद जताई है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2024 में बढ़कर $2,850 हो जाएगी, जिसकी पहले 2023 में $2,601 होने की उम्मीद लगाई गई थी। इसके अलावा साल 2003 और 2011 के बीच चीन का GDP अनुपात में निवेश औसतन 40% था। इसकी तुलना में भारत में निवेश अनुपात औसतन 33% के आसपास रहा था। हालांकि अगर इससे और पहले के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो ये स्पष्ट रूप से नजर आता है कि चीन के मुकाबले भारत आर्थिक तौर पर उतना भी कमजोर नहीं था। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 1980 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद चीन का लगभग 64% था। 1990 तक चीनी और भारतीय अर्थव्यवस्थाएं लगभग बराबर थीं, लेकिन इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था चीन से पिछड़ती चली गई। 2001 तक जब चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ तब भारत की अर्थव्यवस्था का आकार चीनी अर्थव्यवस्था के आकार का 28% हो चुका था। कई वर्षों की तीव्र वृद्धि के बावजूद 2021 तक भारत की अर्थव्यवस्था चीन से और भी पीछे हो गई। इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था के 17% के बराबर हो गई थी। जानकार मानते हैं कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 40 वर्षों में चीन के साथ तालमेल रखती तो वर्तमान में भारत की GDP करीब $10 ट्रिलियन की होती। हालांकि अब भारत आर्थिक तौर पर अपनी मजबूती को बढ़ा रहा है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाया है और चालू वित्त वर्ष में मार्च 2024 तक रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2024-25 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक बढ़ाना है, जो वर्तमान में अनुमानित रूप से $3.7 ट्रिलियन है। यह गौर करने वाली बात है कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक उपलब्धि विश्व स्तरीय सूचना अर्थव्यवस्था का विकास रही है। बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर IT के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। भारतीय तकनीकी क्षेत्र के उदय ने एक उभरते भारतीय मध्यम वर्ग के निर्माण में मदद की है। हालांकि भारत को जिस परिवर्तनकारी विकास की आवश्यकता है उसे हासिल करने के लिए अकेले ये क्षेत्र पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें चीन को मात देनी है तो भारत को एक मजबूत विनिर्माण शक्ति बनना होगा, क्योंकि चीन ने इस शक्ति की बदौलत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना परचम लहराया है। 2007 में जब चीनी अर्थव्यवस्था तुलनीय आकार की थी तो इसका निर्यात $1.2 ट्रिलियन को पार कर गया था, जो सेवाओं की बजाय वस्तुओं के निर्यात से प्रेरित था, जबकि आयात $950 बिलियन था, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ इसके गहरे एकीकरण का संकेत था। हालांकि भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। 2022-23 में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात $770 बिलियन से अधिक हो गया, जबकि आयात लगभग $890 बिलियन का था। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कारकों का संगम भारत को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्माता कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रही हैं। उधर चीन की तुलना में भारत को मजबूत होता देखने में अमेरिका की भी गहरी दिलचस्पी है। इसके पीछे कई कारण हैं। असल में एशिया में अमेरिका की समस्या ये नहीं है कि चीन बहुत ताकतवर है, उसकी समस्या ये है कि चीन की तुलना में भारत कमजोर है। दो एशियाई दिग्गजों के बीच असंतुलन के कारण अमेरिका को चीनी महत्वाकांक्षाओं और शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका को चीन से कई मामलों में चुनौती मिल रही है। तो ऐसे में अगर चीन और ज्यादा मजबूत होता है तो ये अमेरिका के लिए ज्यादा दुखदायी होगा। दोस्तों, अब यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है, वो ये कि क्या ये इतना आसान है या महज एक कोरी कल्पना है। तो जाहिर तौर पर यह आसान नहीं है,
क्योंकि दोनों देशों के बीच अंतर बहुत ज्यादा है जिसे पाटना आसान नहीं होगा। जहां चीन की जीडीपी करीब 17.60 ट्रिलियन डॉलर की है तो वहीं भारत की जीडीपी महज 3.60 ट्रिलियन डॉलर की है। मतलब ये कि चीनी अर्थव्यवस्था का आकार भारत की तुलना में 5 गुना से ज्यादा बड़ा है। दरअसल 1978 में चीन के सुधार और खुलेपन के बाद से अनिवार्य शिक्षा ने उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति की नींव रखी। उच्च गुणवत्ता वाली श्रम शक्ति और कुशल लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे ने चीन के विनिर्माण उद्योग के तेजी से विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसके विपरीत भारत ने सूचना सुधार के अवसर के साथ साथ बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का लाभ उठाते हुए सेवा उद्योग के विकास की एक अलग राह शुरू की। अलग अलग विकास पथों के कारण दोनों अर्थव्यवस्थाओं में भारी अंतर पैदा हो गया। यानी भले ही भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ दिया है और एक विश्व स्तरीय साइबर उद्योग का निर्माण किया है, लेकिन ये उस तरह के विनिर्माण शक्ति के रूप में नहीं उभरा है जो एशिया और उसके बाहर चीन की आर्थिक ताकत का मुकाबला कर सके। देखा जाए तो वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में भारत का मजबूत पक्ष नहीं रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में जहां 2022 में चीन के करीब 31% हिस्सेदारी थी, तो वहीं भारत की यह हिस्सेदारी मात्र 3% थी। ऐसे ही वैश्विक निर्यात में चीन की हिस्सेदारी भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। विश्व बैंक के मुताबिक 2022 में चीन का वैश्विक निर्यात 15% था, जबकि भारत का ये योगदान केवल 2% था। 2007 और 2021 के बीच चीन का निर्यात औसतन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 24% था, जबकि इस अवधि में भारत का निर्यात औसतन लगभग 21% रहा है। जबकि दोनों देश 2015 और 2020 के बीच लगभग 19% पर स्थिर थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत से निर्यात, विशेष रूप से सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुई है। अब यहाँ ये सवाल जरूर हो सकता है कि क्या ये गति कायम रहेगी? क्या ये निर्यात केवल सेवाओं का ही होता रहेगा या वस्तुओं के निर्यात में भी तेजी आएगी, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव रोजगार सृजन और व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो भले ही चीन वर्तमान में आर्थिक आकार और विकास के मामले में अग्रणी है, लेकिन भारत अपनी युवा आबादी और सेवा क्षेत्र में ताकत के कारण भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं पेश करता है। भारत और चीन दोनों ही वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के कारण महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। दोनों देशों के बीच विकास की दौड़ में विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियां और चुनौतियां हैं। चीन ने विनिर्माण, निर्यात और तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं, जबकि भारत ने सेवा क्षेत्र, खासकर आईटी और आईटीईएस यानी सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं में विश्व स्तर पर पहचान बनाई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत के पास चीन से आर्थिक मोर्चे पर आगे निकलने की क्षमता है, खासकर तब जब ये अपनी युवा जनसंख्या, तकनीकी नवाचार और वैश्विक व्यापार व निवेश में अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से उपयोग में लाता है। लेकिन इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना और इन क्षेत्रों में सुधार करना जरूरी है। और अगर भारत ऐसा कर लेता है तो उसके पास एक नई आर्थिक ऊंचाई को छूने का अवसर होगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। जय हिंद।